अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे नांदेड़ में बनने वाली गोश्त की टिकिया। व्यूअर्स, जब आपके पास टाइम कम हो और कुछ डिलीशियस बनाना हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम गोश्त और छोटे पीसेस करके अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसे मैं ग्राइंड करूँगी, तो इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और कुछ हरे मसाले, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया और 7 से 8 हरी मिर्च। इस तरह से कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये परफेक्ट है। हाथों को थोड़ा पानी या तेल लगाकर मीडियम साइज की ये टिक्की बनाएंगे और ऐसे ही सारे टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टिक्कियाँ बना लिए हैं, इसे मैं फ्राई करूँगी। कढ़ाही में तेल को अच्छे से गरम करेंगे और हाई फ्लेम पर, तेल भी अच्छे से गरम हो गया और ये टिक्की को डालकर हमें अच्छे से सेट करके फ्राई करना है। पहले हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। 1 से 2 मिनट बाद इसकी इस तरह से साइड चेंज करते हुए हमें फ्राई करना है। ये लगभग 7 से 8 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करूंगी ताकि खीमा अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए और इसकी साइड चेंज करके हमें और 2 मिनट तक कुक करना है। इसे कवर कर देंगे। ये परफेक्ट पक चुके हैं और गैस का फ्लेम बंद करके ये सारा तेल निकाल लेते हैं, हमें इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इस तरह से कटोरी रखेंगे और इसमें डालते हैं जले हुए चारकोल, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट हो गए और इस तरह से कटोरी निकाल लेंगे, इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी गोश्त की टिकिया बनकर तैयार है। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये कितने आसानी से बनते हैं। ये 10-15 मिनट में बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप एक साइड डिश या स्टार्टर्स की जगह सर्व कर सकते हैं। आप चपाती या बर्गर ब्रेड के साथ भी खा सकते हो। तो व्यूअर्स, ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।